इधर सोनहातु प्रखंड क्षेत्र के तेलवाडी पंचायत और हरीन पंचायत में हाथियों के झुंड ने किसानों के फसल को रौंद दिया और जमकर उत्पात मचाया है। वही किसान का कहना है कि जंगली हाथी के द्वारा फसल नष्ट होने पर प्रशासन द्वारा सही मुआवजा नहीं मिल पाता है और किसानों की परेशानियां बढ़ जाती है। किसान बैंक का लोन चुका नहीं पाते। हरीन पंचायत के मुखिया प्रतिनिधि ने कहा कि अगर विभागीय अधिकारी जंगली हाथी को किसी सुरक्षित जगह नहीं पहुंचाते हैं तो सोनहातु प्रखंड की पूरी जनता रोड और अनुमंडल में धरना प्रदर्शन करेगी। मुआवजा देने के कार्य में प्रखंड के अधिकारी लापरवाही बरतते हैं, जिसके चलते किसानों को भारी नुकसान उठाना पड़ता है। माध्यम से मुझे जानकारी प्राप्त हुआ कि आज करीबन 10 बजे रात को लगभग 30-35 की हाथी की जनसंख्या में सिगित के तमाम किसानों का धान हो, लौकी हो, बीम हो, आलू हो, प्रति व्यक्ति लाख रुपए का क्षति हुआ है। वन विभागों ने कभी तमार कभी बुंडू एक खिलौना का खेल खेल रहे हैं। ऐसे में तमाम किसानों का कुछ उपाय नहीं है। एक तो प्राकृतिक ने पानी के दरमियान धान को मारा, अब जंगली हाथियों के द्वारा पूरा किसान की हम लोग का करीब रात 8-10 बजे सीधे हमें पता चला कि यहाँ पर जंगली हाथी घुस गया। तो हम लोग का गांव में कोई साधन हाथी भगाव के लिए कोई साधन पटाखा लाइट टॉर्च कुछ है नहीं, और हम लोग का समिति गठन है लेकिन कुछ हम लोग का व्यवस्था नहीं है। उसके हम लोग क्या करेंगे, देखते रह गए सुनते रह गए कि जंगली हाथी घुस गया। हम लोग का तो कोई ताकत हुआ नहीं, किसानों का एकजुट बातचीत किए लेकिन हम लोग को भगाने का कोई सामग्री चीज़ें नहीं है। वो देखें हम लोग सुबह अपना अपना किसान जो अपना अपना खेती बाड़ी गए थे, देखते हैं आलू हो, बीम हो, अनेक सब्जी जो किसान करते हैं पूरा एकदम तहस से नहस पूरा नष्ट कर दिया। एकदम धान भी पूरा एकदम खेती है, किसान का एकदम जो फसल निकलने वाला था सब फसल अभी बर्बाद हो गया। टमाटर लगभग कितना रुपया का क्षति किया गया है यहाँ का? कम से कम सब किसान का यहाँ सब को जोड़ने से रेट के हिसाब से भाव के हिसाब से किसान के मजदूर के हिसाब से खाद मिला दवा छिड़काव मिला के लाख